नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मों की बातों में। यार आज हम बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर सर की अपकमिंग मूवी एनटीआर 30 का नया अपडेट आ चुका है। आरआरआर की अपार सफलता के बाद जूनियर एनटीआर सर बन चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के सुपरस्टार। और जूनियर एनटीआर सर की अपकमिंग मूवी का सभी को है इंतज़ार कि वो कौन सी होने वाली है, उनके डायरेक्टर कौन है। इन सारी बातों का हम इस वीडियो में करने वाले हैं खुलासा। जूनियर एनटीआर सर ने अपनी अग्नि फिल्म के डायरेक्टर कर दी है फिक्स। आरआरआर की अपार सफलता उन्हें परचम लहरा रही है, लेकिन जूनियर एनटीआर सर अपनी फिल्म की कहानियां चूज करने में काफ़ी चूजी माने जाते हैं। उन्होंने फिर से हाथ मिला लिया है अपने पुराने डायरेक्टर के साथ। जी हाँ, कोर्टल्ला शिवा सर उनकी अगली फिल्म एनटीआर 30 करने वाले हैं डायरेक्ट। कोर्टल्ला शिवा सर की उनकी पिछली फिल्म थी जनता गैरेज, जिसमें हमें नज़र आए थे मोहनलाल सर भी, और ये जोड़ी फिर से हमें एनटीआर 30 में एक साथ दिखने वाली है। कोर्टल्ला शिवा सर इस बार जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो है आचार्य, जिसमें हमें नज़र आने वाले हैं मेगा स्टार चिरंजीवी और रामचरण तेजा। उनकी ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है 29 अप्रैल को, और इसी वजह से जूनियर एनटीआर सर की कहानी अभी तक फिक्स नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने हिंट दी है कि ये कहानी भरपूर इमोशन से भरी हुई होगी। और ये फिल्म का अभी तक टाइटल कंफर्म नहीं हुआ। रूमर्स था कि इसे लीड एक्ट्रेस में लेने वाले हैं आलिया भट्ट को, लेकिन कोर्टल्ला शिवा सर के लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि अभी तक उन्होंने कास्ट फाइनलाइज नहीं की है। जब आचार्य के रिलीज के बाद वो छोटा ब्रेक लेने वाले हैं, उसके बाद ही वो कास्ट के बारे में सोचेंगे। लेकिन कोर्टल्ला शिवा सर इस फिल्म की शूटिंग इसी जून महीने में शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, जून महीने में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एनटीआर सर के फैन हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।